अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको कनाडा में जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं उनके मुताबिक जो स्कूल सिस्टम है वो बताएंगे, क्योंकि हम लोग क्यूबेक प्रोविंस में रहते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। तो इसका क्या तरीकाकार है और कितनी फीस होती है और माँ बाप के पे कितना बोझ पड़ता है। तो दो सिस्टम हैं यहाँ स्कूल, एक तो प्राइमरी और एक होता है जिसे प्राइवेट स्कूल कहते हैं और एक पब्लिक स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो अफोर्ड कर सकता है, तो उसके लिए तो बेहतर है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भेजे, और जो उनके पास नहीं होते तो वो जो पब्लिक स्कूल होते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे मुल्कों में होते हैं, उनसे बहुत बेहतर होते हैं, तो वो उधर भेजते हैं। हम लोगों ने जो हमारे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लास तक, हम प्राइमरी जो छठी फिनिश तक ना, हमने भेजे पब्लिक स्कूल में। उसके बाद हमने उनको प्राइवेट स्कूलों में डाल दिया। उसकी एक वजह थी जिसको हम आगे बयान करेंगे। तो जो स्कूल होता है यहाँ क्यूबेक में, बेसिक लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है वो फ्रेंच में हर चीज़ पढ़ाई जाती है। इंग्लिश एज एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इंग्लिश का, लेकिन क्योंकि बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो उनको आ जाती है, लेकिन हर सब्जेक्ट फ्रेंच में होता है। तो यहाँ किंडरगार्टन, इसको मटरनल कहते हैं यहाँ पे क्यूबेक में, तो 2 ईयर का होता है जिसमें बच्चे जाते हैं स्कूल में। तो मटरनल में जो एडमिशन होता है, जब 4 ईयर का बच्चा हो जाता है तो मटरनल में होता है, वो 2 ईयर का चलता है। उस 2 ईयर में वो बच्चे को सिर्फ स्कूल में बैठना सिखाते हैं और बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती। उसको बातों में जैसे कलर उसके नेम है, फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, बच्चों को पढ़ाते हैं और 1 घंटे के लिए बच्चे को सलाह भी देते हैं। उसके बाद 2 ईयर ख़त्म होने के बाद जो प्राइमरी स्कूल का मरहला आता है उसमें 6 साल लगते हैं। उसमें फ़ीस कोई नहीं है, जो पब्लिक स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें फ़ीस है, और जो जो प्राइवेट है तो उसमें सिर्फ आपको साल के शुरू में $45 $50 लेते हैं। उसको एजेंडा कहते हैं, जैसे 2-3 बुक्स देते हैं, और उसके अलावा कोई फीस नहीं है। स्कूलों में बच्चों को खाना देते हैं लेकिन वो हलाल नहीं होता, और आपकी चॉइस नहीं होती कि आपने क्या लेना है। वेजिटेबल अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें भाई वेजिटेबल दे दो, वो कहते हैं नहीं। तो इसलिए बेशतर हमारे जैसे माँ बाप तो कोशिश करते हैं बच्चों को लंच दें, या अगर घर करीब है तो लंच को, क्योंकि लंच ब्रेक होती है 1.5 घंटे की, तो हम घर में ले आते हैं बच्चों को, खाना खिला के फिर छोड़ाते हैं। तो ये सिस्टम है। तो फीस यहाँ नहीं। स्कूल की बस जो प्राइमरी में मिलती है बच्चों को, जो 1 किलोमीटर के ऊपर जो रहते हैं बच्चे उनको मिलती है, जो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं उनको वो कहते हैं वॉक करके आ सकते हैं माँ बाप के साथ, उनको नहीं मिलती, तो वो भी फ्री होती है। अगर प्राइवेट स्कूल में होगी तो वो फ्री नहीं होगी। हाई स्कूल होता है उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है जैसे प्राइवेट स्कूल हैं और एक पब्लिक स्कूल है। तो जो प्राइवेट स्कूल है उसमें तो इंटरनेशनल क्लासेस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल क्लासेस क्या हैं। लेकिन जो पब्लिक स्कूल है उसमें एक रेगुलर होती है और एक होती है इंटरनेशनल। रेगुलर में तो हर बच्चा जा सकता है, इंटरनेशनल में वो चूज़ करते हैं बच्चों को, उसकी 2 चीज़ों पे देखते हैं। एक तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो पिछले जो प्राइमरी स्कूल की होती है, दूसरी एक एंट्री टेस्ट लेते हैं जिसमें वो पास होता है बच्चा, उसको वो इंटरनेशनल क्लासेस में रखते हैं। वो मैंने उनसे पूछा जब मेरे बच्चे जाने लगे तो भाई इंटरनेशनल, उन्होंने कहा कि आम बच्चा इनके साथ नहीं चल सकता, और जो ये बच्चे हैं आम क्लास में नहीं चल सकते, वो बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, तो इसलिए हम इनको अलहदा कर देते हैं, इनके क्लासेज अलहदा बना कर देते हैं। तो वो है इंटरनेशनल क्लासेज। तो जो प्राइवेट स्कूल में, हाई स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में, उसमें तो फीस वही होती है $400-$500 भी, जो एक महीने का साल का होता है। तो उसमें वो बुक्स वगैरह देते हैं, यूनिफॉर्म ख़रीदना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसमें आपको यूनिफॉर्म भी ख़रीदना है, बुक्स भी ख़रीदनी है, प्लस आपने जो फीस है वो भी देनी है। वो तकरीबन एक बच्चे का $7,000 $7,000 खर्चा होता है एक साल का। तो हमने जो अपने बच्चों को प्राइमरी क्लास तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाया, उसके बाद हमने, क्योंकि हमारे बच्चे शाइनिंग थे हैं, तो हमने फैसला किया कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे। क्योंकि कितने साल का है, हमने अपने बच्चों को फिर प्राइवेट स्कूल में भेजा, तो वो प्राइवेट में स्कूल उन्होंने फिनिश किए, एक दो ने फिनिश कर लिए हैं, एक जो है वो आखिरी साल में है। हाई स्कूल जो होता है वो 5 साल का होता है। हाई स्कूल जब ख़त्म होता है तो उसके बाद सीजैप होता है 2 साल का कॉलेज, जिसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और उसके बेसिस पे ही, उनके नंबरों के बेसिस पे ही वहाँ पे आपको दाखिला मिलता है कि कौन से प्रोग्राम में मिल रहा है। इसमें जब बच्चे अप्लाई करते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम में जाना है, तो जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो फैसला करते हैं कि ये बच्चा जो इसके मार्क्स हैं या इसमें कैटेगरी में फिक्स आता है कि नहीं आता। अगर आता होगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आता होगा तो फिर वो उसको उसमें रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये बच्चे की चॉइस होती है कि उसने कहाँ जाना है, और वो आगे से बताते हैं कि हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 2 साल के सीजैप के बाद फिर बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर सीजैप अगर आप सरकारी स्कूलों में करेंगे तो उसकी फीसें ना होने के बराबर हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में करेंगे तो वो वैसे ही है जैसे $5,000-$6,000 साल का लगता है। तो ऐसे ही आगे यूनिवर्सिटियों का होता है जो सिस्टम, जो उसमें जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं लगते, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें लगते हैं। तो ये है कनाडा का और ख़ास करके जो क्यूबेक का सिस्टम है एजुकेशन का। तो ये था। ये जी बच्चों के लिए सामान आ गया, तो कुछ घर में पड़ा है उसको निकालेंगे और इनके बैग तैयार करेंगे। पर बड़े बच्चों के पास बैग है, ये छोटी के लिए कोट ले लिया। तो बाकी सामान के टैची में भरा हुआ है, जो लेते हैं तो ज़्यादा ले लेते हैं, जो सारा साल काम आता रहता है। तो इसमें से भी निकालेंगे और इसमें से भी जो हमें चाहिए थी वो ले आए चीज़ें। ये लॉक है, ये है ग्लू है, ये बाकी बुक्स कापियाँ वगैरह हैं, ये एक फ़ाइल है, बड़ी बेटी को चाहिए थी, ये भी फाइल है, लंच बॉक्स है, तो ये सीजर है।